कहते हैं कलयुग चल रहा है, आइए मिलते हैं कलयुग के कुछ पापियों से। ये हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर बद्री प्रसाद। इनकी तारीफ में जितनी भी बुराई की जाए कम है। यूं तो अनपढ़ हैं, लेकिन राज्य के मंत्री बनकर ना जाने कितना माल अंदर कर चुके हैं। ये हैं उनके साले साहब प्रकाश रंजन, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जीजा की मेहरबानी से ये लोगों की जमीनें हड़प कर वहाँ बिल्डिंग बनाते हैं। कहने को तो बिल्डर हैं, पर कोई गैर कानूनी काम इन्होंने छोड़ा नहीं। ये हैं हर्षद राणे, मशहूर हवाला ब्रोकर। यूं तो मलेशिया में रहते हैं, लेकिन इंडिया से काला पैसा विदेशों में भेजने और सुरक्षित रखने का काम बखूबी करते हैं। इन्हें बेईमानी के धंधे में ईमानदारी पसंद है। फिलहाल इन तीनों की नजरें गड़ी हैं 200 एकड़ में फैली जय जवान हाउसिंग सोसाइटी पर। ऐसी जमीन जिसे सरकार ने हमारे देश के जवानों के नाम की है, लेकिन इन्हें जमीन के नाम पर एक टुकड़ा तक नहीं मिला, क्योंकि ये तीनों कमीने उनकी जमीन पर उज्ज्वला टाउनशिप बना बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे इतना कुछ हो रहा है और कानून कुछ नहीं कर रहा। कानून कर रहा है, बखूबी अपना काम कर रहा है, इन अमीरों को और अमीर बनाने का काम कर रहा है। इस स्कैम को छेड़ने से मीडिया भी डरती है, लेकिन दो चैनल्स ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है। लड़ाई में लड़ते हुए मैंने अपना हाथ खो दिया, उसके बदले मुझे एक घर मिला जो मेरा होके भी मेरा नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज में दिखाने से हमें हमारा घर मिलेगा क्या? छोड़ो, जय जवान स्कैम की सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मैंने अच्छे से नोट कर ली है सर। परसों इस पर ब्रेकिंग न्यूज होगी हमारे चैनल पर। एनी डाउट सर? वैसे तुमने काफी मेहनत की है, लेकिन तुम्हारी मेहनत पर श्रीमान पानी फेर देगा। हर बार की तरह तुम्हारी ये ब्रेकिंग न्यूज हमारे लिए शॉकिंग न्यूज बन जाएगी। इस बार कोई अच्छी न्यूज लेकर आना, वरना मत आना। थैंक्स। हेलो, ए वो रे चम्मिया, पकड़ उसको। अबे अबे अबे, गाड़ी निकाल। श्रीमान नारायण, टेक माय शॉट। श्रीमान प्रकाश रंजन के आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। आई एम इन डेंजर। डोंट वरी, अभी तुम कहाँ हो? पता नहीं चल पा रहा है कि मैं कहाँ हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल लगाता हूँ। मुझे अपने आसपास की लोकेशन बताओ। नवीना, हेड डाउन। व्हाट? हेड डाउन, रुक जाओ। हेलो, अपनी स्कूटी छोड़ के पास की कॉलोनी में घुस जाओ। हाँ। वो रही, पकड़ो। अब वहां से दाईं ओर मुड़ जाओ। अब बाएं मुड़ जाओ, जल्दी। पास में ही चंदानगर रेलवे स्टेशन है, लोकल ट्रेन 2 मिनट में प्लेटफॉर्म पर आएगी, पकड़ लो। हाँ बोल। वो चैनल वाली हमें जासा देके चंदानगर स्टेशन से लोकल ट्रेन में चढ़ गई है, अगले स्टेशन पर उसको पकड़ना है, हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। इतना सब बता लेकिन उसका हुलिया तो बता। चल जल्दी बता उसने पहना क्या है। हाथ में कैमरा, ब्लू कलर की जैकेट पहनी है। वो लोग यहाँ पर भी आ गए। मोबाइल के कैमरे से उनको शूट कर लो।
अपनी जैकेट उतार कर अपनी कमर पर बांध लो। कैमरा कहाँ है? भाई इसका बैग चेक करते हैं। क्या कर रहे हो? इसके पास कैमरा नहीं है भाई। वो रही, पकड़ो उसे। श्रीमान, उन्होंने मुझे देख लिया है। किधर गई वो? उस तरफ। अब मैं क्या करूं? पासी में बसों का गैरेज है, वहां चली जाओ। कौन है बे? शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है? तू जानता नहीं हम बद्री के आदमी है। मार खाने के लिए बायोडाटा देने की क्या जरूरत? अपने इलाके में मरना चाहता है क्या? दम है तो हमारे इलाके में आ। अरे सारा इंडिया मेरा है, जहाँ चाहूँ तुझे कुत्ते की मौत मार सकता हूँ। तू सिर्फ अपना इलाका बता, बोल कहाँ हूँ। आओ गली, मुर्गी मोहल्ला, कल्लू का अड्डा, भिस्ती मोहल्ला, खजुए का चारकोप, मिनारा गली, बोरी मोहल्ला, चारनाल, शंकर गली, एमजी रोड, करीमनगर। तू सिर्फ बोल कहाँ ना, बोल। तू बता, मेरे घर में घुस कर तुझे ठोकूंगा, ऐसा मारूंगा कि दिमाग दिल में घुस जाएगा, दिल घुटनों में घुस जाएगा और घुटने कबर में घुस जाएंगे। बिना टिकट सीधे ऊपर, मारने में नो कॉम्प्रोमाइज। लड़की मिल गई क्या? लड़की नहीं मिली, लेकिन टर्मिनेटर मिल गया है। कौन है वो? श्रीमान नारायण, जर्नलिस्ट। चिल्ला क्यों रहा है? भौंकने वाले कुत्ते मुझे पसंद नहीं। मुझे सिर्फ कलम चलाना नहीं, बंदूक चलाना भी आता है। साले फौजी देश की रक्षा की खातिर अपनी जान की बाजी लगाते हैं और तू उनकी जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। अगली बार उस जमीन पर दिखा तो वहीं पर गाड़ दूंगा। चिप दो। नहीं, नहीं दूंगी। चुप जाओ, चिप निकाल के दो। देख स्वप्निका, अगर श्रीमान को पता चल गया ना, वो क्या कर लेगा? Yes. क्या कह रहे थे आप? श्रीमान अगर ब्रेकिंग न्यूज चलाए तो हमारे लिए शॉकिंग न्यूज हो जाएगी। अब उल्टा होगा सर। नामुमकिन। उसके कैमरा के चिप मेरे पास है। थैंक यू। ए, क्या हुआ? इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या कर लेगा? अब तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे? देखना चाहोगी? कोई है? कोई है? हेल्प प्लीज, कोई मेरी हेल्प। मुझे बुलाया? प्लीज समबडी हेल्प मी। प्रॉब्लम क्या है बेबी? अच्छा तो तू प्रॉब्लम है, अकेली लड़की को देख के चांस पे डांस कर रहा है। बात मत करो भाई, हाथ चलाओ। लड़की की इज्जत बचाने के लिए यहाँ एक नहीं दो दो मर्द हैं, पर तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। भाई, रॉड चेन स्टंप लेके इसकी बैंड बजा दो। थोड़ा सब्र रख छोटे। थैंक्स ब्रो। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? नो मेंशन नो टेंशन। ये तो गया काम से। इसने आपको भाई कहा? तूने सही सुना? हाँ। क्या आपने मुझे भाई कहा? हाँ। जान दे के भाई जान नहीं बनना मुझे इसकी तो। एक मिनट जीजा जी, आपको जो करना आप करिए, मैं चला। ओके बैंड आखिर में मिलेंगे। क्या बे, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? तुम्हारे खिलाफ वुमेन हैरेसमेंट का केस कर दूंगी, फिर अगले 3 सालों तक जेल की रोटियां तोड़ना। पुलिस कंप्लेंट करोगी? डीसीपी से बात करवाओ। लगाओ फोन, लगाओ। नंबर नहीं है क्या? मैं नंबर देता हूँ। 9989 9989। अगर मेरे और करीब आए तो। आइला, ये आंखें है की एम्बेसडर कार की हेडलाइट्स? बंद कर। चिप गरम हो गई। आज के सारे प्रोग्राम कैंसिल, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सर, ये न्यूज दिखाने के बाद हो सकता है हमें धमकी भरे फोन आए। क्यों ना हम पहले ही पुलिस से प्रोटेक्शन मांग लें। राइट,
एसीपी को फोन करो। ओके सर। ऐड का रेट डबल कर दो। ओके सर। ओके। ओके सर एसीपी। हेलो, मैं चैनल 6 का सीईओ कोल्हापुरी बोल रहा हूँ। एक्चुअली जल्द ही मैं हिट लिस्ट में आने वाला हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए, राइट? ब्लैक कैट कमांडो सिक्योरिटी। किससे खतरा है आपको? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन और हर्षद राणे, राइट? आप फॉरन सिक्योरिटी अरेंज करो। कंग्रेचुलेशंस, मैंने हमारी चैनल के लिए हाई सिक्योरिटी अरेंज कर ली है। चिप कहाँ है? ब्रेकिंग न्यूज चलानी है। सर, ब्रेकिंग न्यूज तो चालू हो चुकी है। चिप अभी इसके पास है, ब्रेकिंग न्यूज कैसे चल सकती है पगली? सर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। लेकिन हमारे चैनल पे नहीं। जय जवान हाउसिंग स्कैम ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा के रख दिया है। कहा जा रहा है कि इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर बद्री प्रसाद और उनके कुछ आदमी मिले हुए हैं। अरबों के इस स्कैम से राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। ऑपोजिशन पार्टी मिनिस्टर बद्री प्रसाद, सॉरी सर, मैंने चिप को चुरा कर अपने पर्सनल लॉकर में छुपाया था, फिर भी श्रीमन ले गया। सर, एसीपी का फोन। कोल्हापुर, मैं एसीपी बोल रहा हूँ। आपकी प्रोटेक्शन का इंतजाम मैंने कर दिया है, और कोई सेवा? जरूरत नहीं है। बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, इन सब के साथ अभी अभी मेरा समझौता हो गया है। सर, हमने बाकी प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए, अब क्या दिखाएं? फल की चिंता मत कर वत्स, तू सिर्फ कर्म किए जा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चैनल 6 का सीईओ कोल्हापुरे खुद आज से सारे कामकाज छोड़कर हाथ में घंटी लेकर भगवत गीता के उपदेश देते हुए श्लोक गाता फिरेगा। अगले महीने से तुम्हारी सैलरी 10,000 बढ़ा रहा हूँ। आंखों पे ककड़ी रख के घर पे सो जाना। किसी का रिकमेंडेशन लाने की गलती मत करना, राइट? हाउसिंग सोसाइटी स्कैम को एक्सपोज किया है हमारे चहेते जर्नलिस्ट श्रीमन नारायण ने। जय जवान हाउसिंग सोसाइटी स्कैम में राज्य के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बद्री प्रसाद, उनके साले प्रकाश रंजन और मशहूर हवाला ब्रोकर हर्षद राणे शामिल है, और इन्हें एक्सपोज किया है Z24 ने। सरकार ने हाउसिंग डिपार्टमेंट को जमीन फिर से फौजियों को सौंपने का आदेश दिया है, और मिनिस्टर बद्री प्रसाद को मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया है। वो साला जब मुझे हुल पट्टी दे रहा था तब क्या कर रहा था तू? दो कौड़ी का पत्रकार प्रकाश रंजन को मारने की बात कर रहा है? साले, ठोक क्यों नहीं दिया उसको उसी वक्त? पूरी उज्ज्वला टाउनशिप उठा के उसने मिलिट्री वालों को दे दी, मरने के बाद भी घूरता है। पहले ही मुझे टेंशन कम है क्या जो तू मेरी जान लेने पे तुला है? उस श्रीमन नारायण ने हम लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। तू शांत रहे, हर्षद भाई का फोन है मलेशिया से। बोलो हर्षद भाई। प्रकाश को जरा ठंडा करो, तुम तो जानते हो ये कितना शॉर्ट टेम्पर है। अभी तो सोडे की तरह उछल रहा है, फिर बाद में ठंडा भी हो जाएगा ये। जरा फोन दो उसे। ये ले, हर्षद भाई बात करना चाहता है, कान पे लगा। हर्षद भाई, उस साले को मैं नहीं छोड़ने वाला, 24 घंटे के अंदर उसकी मौत की खबर पहुंच जाएगी। जल्दबाजी में कोई बेवकूफी मत कर बैठना। वो श्रीमन कोई मामूली आदमी नहीं लगता है, हम उसे मार नहीं सकते, ना ही उसे पकड़ सकते हैं। उसे खत्म करने के लिए कोई और षड्यंत्र रचना होगा, दिमाग खर्च करना होगा, उसके लिए टाइम लगता है। फोन रख। झाड़ रहा है मुझे, ये लो। किस्मत हो झंडू तो क्या करेगा पांडू? जल्दी से पंडित को बुलाओ। ए, सीनियर जूनियर पंडित को लेके आओ जल्दी। सर, कुछ काम था? नहीं, कबड्डी खेलनी थी। क्या हुआ सर? मिनिस्ट्री चली गई, पैसे चले गए, रुतबा खत्म हो गया। अब एक ऐसा फाड़ू हवन करो जिससे मैं स्टेट का रापचिक सीएम बन जाऊं और सबका खून चूसू। मुझे मेरे बाप की भी पनौती है, पहले उसे शांत करो, नहीं तो तुम अशांत हो जाओगे। हम लोग दुनिया भर में फेमस है यज्ञ के लिए, और ये हमसे श्राद्ध की पूजा कराता है। ईश्वर आपके पिता की आत्मा को शांति दे। अबे पंडित जी, 5 साल हो गए लेकिन खाना तो दूर, हमारे दिए गए भोग को कौवे देखने तक नहीं आते। छाने कौवे के घर पे कौवे नहीं आते। क्या कहा? अब वो क्या है ना कि सारे कौवे जिम में है ना, डाइटिंग पर। मुझे वो सब नहीं पता, मैं इतना चाहता हूँ कि कौवे इस भोग को खाए और मेरी पनौती उतर जाए। कौवा आवा। आप रहने दीजिए सर, गुरुजी आप कौवे को बुलाइए। कम कम कौवा, कम कम एंड हैव योर मम, डोंट कम, डोंट कम, अरे डोंट कम। कैसी रही मेरी अंग्रेजी? मुझे लगता है इन्हें इंग्लिश नहीं आती है, म्युनिसिपैलिटी में पढ़ने लगता है। आप माल ढीला कीजिए, कौओं को मैं बुलाता हूँ। कौआ बुलाओ स्वाहा, कौआ बुलाओ स्वाहा। चिकन? सर जी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। आप आंखें बंद करके अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए सीनियर।
अरे ये बिंड के बीच में क्या रख दिया तूने? चिकन है गुरुजी। नहीं घोर पाप, दिमाग पर जोर मत डालिए। काव आओ आओ, आंखें खुलिए, कौवे आ गए। देखा कमाल चिकन का। अबे जूनियर पंडित सुन, हमने कौओं को बुलाया, ये गिद्ध आके खाना क्यों ले गए? हाँ अरे ऊंचे लोग ऊंची पसंद। क्या बात है, 5 साल के इंतजार के बाद आखिरकार मेरे बाप की आत्मा को शांति मिल गई। इस चक्कर में दुबला हो गया हूँ मैं। अरे सुनो सुनो, इनको 1100 नहीं पूरे 11,000 की दक्षिणा दो। पैसे दो इन्हें, जाओ। जीजा जी, रात का खाना कौवे की जगह गिद्ध खा के गया है। कुछ भी कहो, आज का दिन बहुत मंगल है। जीजा जी, इस साल का इलेक्शन आप ही जीतेंगे। गुरुजी आपके सर पर कितना कर्जा है? 20,000 तक हुआ। मुझे भी उतना ही चुकाना है, लेकिन पैसे चुकाने के बाद कुछ पैसा बच जाए उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? आप आइए तो सही दिखाता हूँ। बद्री प्रसाद जी, 2 दिन के बाद इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं ना, मेरे गुरु जी से अगर आप हवन करवा लें तो आपकी जीत 100% पक्की है। जीतने के लिए हवन, ये बात। अरे छोड़, तू हवन कर दे, लेकिन इसमें 50,000 का खर्च है। पैसे तो पेड़ पे लगते हैं, वोट तो है नहीं, काश हवन से ही जीत जाऊं। तू तैयारी कर जा, इन्हें इलेक्शन में जितवाओ प्रभु, इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करो। जजमान, हवन सुख शांति से पूरा हो गया, हमारी दक्षिणा मिल जाएगी तो गरम गरम बंडल दे। धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात रिजल्ट के बाद होगी। अब हम इनके सीएम बनने के लिए हवन करेंगे। बिल्कुल। रुक जाओ पंडित जी, और दक्षिणा मिलेगी। तुम घर तभी जा पाओगे जब जीजा जी इलेक्शन जीत जाए, और अगर हारे तो सीधा ऊपर। आप क्या करेंगे जूनियर? उम्र भर यहाँ रहे तो हमारी बीवियाँ हमारी शक्ल भूल जाएंगी। आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता निकाल लूंगा। एक से एक आइडिया है मेरे पास। चुप, तेरी आइडिया ने मरवाया है। कमाल कर दिया बेटा, आज तुम्हारी वजह से हम फौजियों को हमारी जमीन वापस मिल गई। कल तक इन सब लोगों ने सिर्फ श्रीमन का नाम सुना था, और आज देख भी लिया, तुम हमारे चैनल के लिए काम करते हो, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ, अब से तुम पद्मश्री कैलाश नारायण के बेटे कहलाओगे। पिता की सफलता बेटे को मुबारक हो। पद्मश्री? अभी अभी मुझे इस बात की खबर मिली है, इस साल के पद्मश्री अवार्ड्स में तुम्हारे पिता का नाम भी शामिल है। शाम तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। थैंक यू सर, मुझे अभी के अभी जाना होगा। कहाँ जाना है? ये खुशखबरी मैं अपने पिता के साथ बांटना चाहता हूँ। ओके, गो अहेड। ये सब क्या हो रहा है? ये सजावट, ये तैयारियाँ किसके लिए? पापा मुझे नहीं पता, आप भैया से जाके पूछिए, मुझे बहुत सारे काम है। ए गोपी, ए गोपी। हाँ? अरे तू तो बता, घर में ये सजावट किसके लिए हो रही है? अरे अंकल, पहले से ही दिमाग में बहुत टेंशन है। किस चीज का? अंकल, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी ना, फिर सारी दुनिया को उसका पता कैसे चला? तभी भी पायरेसी होती थी। डॉक्टर कहीं का कुछ भी बोलता है। श्रीमान। पापा ये नए कपड़े पहन लीजिए। ये नए कपड़े किसके लिए? न तो आज दशहरा है न ही दिवाली। बताता हूँ, पहले ये नए कपड़े पहन लीजिए, जल्दी कीजिए, जाइए जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए, जाइए। अरे ये क्या? अरे कम से कम तुम तो बताओ, न तुम्हारा जन्मदिन है न मेरा, ये सब किस खुशी में? आज का दिन बहुत खास है, आज आपको। नहीं माँ। अगर आपको बता दिया ना तो ये मुझ पर भड़केगा। श्रीमान टाइम हो गया, टीवी ऑन करो ना। हाँ। आज हमारे चैनल के मालिक कैलाश नारायण के लिए एक बड़ा दिन है। महबूब नगर में पले बड़े कैलाश नारायण का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था। उन्होंने किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, उनके दुख को उनके तकलीफों को अपना समझा। वो उनके लीडर बनके खड़े हुए, अपनी संपत्ति जमीन बेच के कोल्ड स्टोरेज खरीदे। गांधी जी हमेशा कहते थे कि किसान इस देश का दिल है और उसकी जमीन इस देश की धड़कन। ऐसे ही है हमारे कैलाश नारायण, जिन्हें सरकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर रही है। बेटा पद्मश्री मिलने की खुशी तो है ही, पर सच पूछो तो जब मेरे किसान को सम्मान मिलता है तब जाकर मुझे सच्ची खुशी मिलती है। हाँ जानती हूँ, आपको किसानों को खुश देखकर खुशी मिलती है, और इस नालायक को मारा मारी करके लोगों को न्याय दिलाने में। वैसे माँ तुम मुझे बदनाम करने का मौका क्यों ढूंढती रहती हो? टीवी पर तुम्हारे कारनामे देखकर रातों को नींद नहीं आती मुझे। ऐसा काम क्यों करती हो जिसमें जान को खतरा हो? तुम्हारी वजह से बीपी की गोलियां लेनी पड़ती हैं। आंटी अपने बेटे की शादी करा दो, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर बीवी के पीछे ही घूमता रहेगा, मार थाड़ करने का वक्त कहाँ मिलेगा? भैया श्रीमन की शादी के बारे में क्या सोचा है? मुझे क्या सोचना है, अगर ये हाँ कह दे तो अभी सगाई करवा देता हूँ। अरे सगाई कैसे कर लूँ पापा, उसके लिए लड़की चाहिए। अरे भानु। हाँ श्रीमान। तुम्हारी कोई अच्छी फ्रेंड हो तो बताओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम एक मिनट जरा साइड में आओ, सबसे मिला। अरे अरे, 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 अरे
तुम्हारा इरादा तो नेक है ना? जब सामने इतनी हसीन लड़की हो तो मेरी फ्रेंड्स का क्या अचार डालोगे? जान ले लूंगी। ये शीला। हेलो। हेलो। और ये है उसकी जवान। इसके राज की लीला होने से पहले जल्दी से कुछ करना होगा। भानु, तुम्हारे पति का नाम क्या है? तुझे नहीं पता क्या? श्रीमान। श्रीमान नहीं, श्री कृष्णा कहो। ये क्या सॉफ्ट ड्रिंक पिला रहा है? हार्ड नहीं लाया? सॉफ्ट हार्ड सब मिक्स है। श्रीमान, तुझे गोवा ट्रिप याद है? कितना एंजॉय किया था तुमने, तो कितने कांड किए थे, माइंड ब्लो। अरे बताओ ना, मेरा बोरिंग हस्बैंड भी ताकि रोमांटिक हो जाए। इसकी बोल को मुझे भी जानना है। बता बता क्या कर लोगी जाने के बाद? अरे बताती हूँ, हम सब गोवा गए थे कॉलेज ट्रिप पे, गर्ल्स एंड बॉयज। वहाँ पर रात भर हमने पार्टी की और ये भाई साहब 5 ही बियर पी के आउट हो गया था। इसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। हमें ये तक याद नहीं था कि किसका रूम कौन सा है। फिर आधी रात को जब मैं उठी तो मैं इस मैडम को ढूंढ रही थी, लेकिन ये रूम से गायब थी। फिर मैं एक एक रूम का दरवाजा खोल के चेक कर रही थी और फिर पता है ये कहाँ मिली? श्रीमान के रूम में। क्या क्या हुआ वो तो श्रीमान को पता होगा। श्रीमान ने कुछ किया तो नहीं होगा ना? अच्छा, एक्सपीरियंस पति मिल रहा है। 5 बोतल पीने के बाद उसने क्या किया होगा? दिमाग से शक का कीड़ा निकालने का एक ही तरीका है, उसको 5 बियर पिला दो, उसके बाद वो वही हरकत करेगा जो उसने गोवा में की थी। एक काम करो, अभी के अभी जाओ और 5 बोतल लेकर आओ। बैठो ना जानू। अरे ये सारी बोतलें यहाँ क्यों रखी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे लिए, हमारी सगाई की खुशी में। गोवा में भी तो तुमने जमकर पी थी ना। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, अब तो ये पास हो गया। पियो ना सोना। अब तुम प्यार से कह रही हो तो पी लेता हूँ। एक बोतल में ही एक्सप्रेशन चेंज। ऐसे मत देखो ना, कुछ होता है। ये लो दूसरी बोतल। अब तुम ऐसे ऐसे पोज मारोगी तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। थरकी अभी से शुरू हो गया। तुम तो एकदम चखना लग रही हो। चख लो। ऐसा मत कहो, शादी के पहले ये सब गलत है। शादी गई तेल लेने। अभी से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। गोवा में तो इसने हद पार कर दी होगी। जब गाड़ी टॉप गियर में होती है तो ब्रेक ब्रेक नहीं लगती है, दुर्घटना हो जाती है। हाईला, ये तो 9 महीने के लिए गई। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं गरजने वाला नहीं, बरसने वाला शेर हूँ। दरवाजा क्यों बंद किया? ये सब गलत है। ये सुनने सुनाने का टाइम नहीं है। तू बाकी के ताले खोल डाल और मुंह का ताला बंद कर। रुक जा। नहीं, ऐसे मत कर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। श्रीमान। सेफ। 5 बोतल पीने के बाद ये तो सो गया। इसका मतलब गोवा में भी कुछ नहीं हुआ होगा। यस। अबे तेरी तो। माननीय मेहमानों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आदरणीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर जनार्दन यादव जी का सम्मान करने के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आईजी मिस्टर मार्कंड, प्रीमियर बैंक जनरल मैनेजर राजन अय्यर, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। आज की ये सभा एक महान सोच की शुरुआत होनी चाहिए। किसान दिन रात मेहनत करके पूरी दुनिया का पेट भरता है, मगर अपना पेट पालने के लिए उसे 2 कौड़ी का काम शहर में जाकर करना पड़ता है। कहते हैं आत्महत्या करना सबसे बड़ा गुनाह होता है, लेकिन आज यही गुनाह हमारे किसान भाई करने पर मजबूर हो गए हैं। इस बारे में आज तक कभी किसी ने सोचा है कि उनकी क्या तकलीफें हैं? किसी ने उनके आंसू पोंछे हैं? उनके सर पर दुखों का पहाड़ है। किसान इस देश का गौरव है और हमेशा रहेगा। और जब मैं किसान के गौरव के लिए लड़ा तो पद्मश्री पकड़ा दिया। हर रोज हम लोग मंदिर मस्जिद जाकर न जाने कितने पैसे दान करते हैं, तो क्या हम अपने किसान भाइयों के लिए 100 रुपए भी नहीं दे सकते उनकी उन्नति के लिए? बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर लाखों लोग आगे आएंगे तो किसानों के लिए करोड़ों रुपए जमा हो सकते हैं। आपसे, इनसे, यहाँ बैठे हर इंसान से मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस जय किसान योजना में
दिल खोल कर सहयोग दें। आप सबका सहयोग रहा तो हमारा किसान मजबूत होगा। बड़े भैया, आपके इस जय किसान योजना में मैं अपनी तरफ से 100 रुपए दे के शुरुआत करना चाहता हूँ। आपके ट्रस्ट के लिए मैं 10,000 रुपए का चेक देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से, प्लीज रख लीजिए। नमस्कार। मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। प्रीमियर बैंक की तरफ से मैं 25 लाख रुपए देना चाहता हूँ और साथ ही मैं हर एक किसान को बिना इंटरेस्ट के लोन देने की कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से ये 1 लाख रुपए का चेक स्वीकार कीजिए। और हाँ, इन गरीब किसानों और उनके परिवार वालों का मैं अपने हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश नारायण जी। आपके ट्रस्ट को सरकार की तरफ से जितना बन पड़ेगा उतनी मदद मैं करूंगा। इस घर में हर कोई एक्टिंग में नंबर वन है। मुझे तो जैसे उल्लू बनाने की सब लोगों ने ठान रखी है। कोई कोई मेरी बात नहीं सुनता। आपके छोड़ो, मेरी भी कोई नहीं सुनता। मालकिन मैं हूँ कि तू? चल जा यहाँ से। जा, बाप तो बाप, बेटा उनका भी बाप है। क्या हुआ सासू माँ? तुम तो चुप ही रहो। देखो, तुम्हारी वजह से मेरा डोसा जल गया। मैंने एक बार नहीं, 1000 बार उससे कहा कि बेटा तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हारी सगाई हो गई है। ये कैमरा माइक लेके भागना बंद करो और अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाओ। लेकिन वो सुने तब ना, टीवी देखते ही मुझे टेंशन होने लगती है। सासू माँ, क्या है? इस मामले में मेरा आपको फुल सपोर्ट है, बस यही इमोशन ना कंटिन्यू रखना। या तो इस घर में वो रहेगा या फिर मैं रहूंगी। कहाँ है तू? बारा! आपके ये तेवर ससुर जी में कैसे ट्रांसफर हो गए? हाँ। क्या हुआ? चुप कर! या तो तू इस घर में रहेगा या मैं रहूंगा। डायलॉग भी शिफ्ट हो गए, सेम टू सेम। आज से तू काम पे नहीं जाएगा। लेकिन हुआ क्या? लोगों को न्याय दिलाने के चक्कर में आजकल तू बहुत झगड़ा करने लगा है। तू कानून अपने हाथ में लेगा? वो क्या है ना, जमाना लगता है। आज के बाद तू काम पर नहीं जाएगा, घर पे रहेगा। मुझसे पूछे बिना तू इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगा। ये हो क्या गया है आपको? जवान बेटे पर कोई चिल्लाता है? ये सब शोभा देता है क्या आपको? अपने बेटे से कहो कि काम पर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे। आपने तो अपनी सारी धन दौलत किसानों को दान कर दी, अपने बेटे के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं रखी। आप क्या चाहते हैं, ये अपनी नौकरी छोड़ के फुटपाथ पे आ जाए? संभालो, अगर ये काम पे गया तो मैं घर छोड़ दूंगा। और अगर ये काम पर नहीं गया तो मैं घर छोड़ दूंगी। बेटे की शादी होने वाली है, घर में होने वाली बहू मौजूद है और बेटे से पेश आने का ये तरीका है? अपने ससुर की हरकत देखी। वैसे आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो काम पर जाए। तो पहले क्या चाहती थी? कि वो काम पर ना जाए। अरे बाप रे, बुद्धू बनाया, जल गया डोसा। पापा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे, तेरी माँ का गुस्सा तो 7वें आसमान पे पहुँच गया था, इसलिए जानबूझकर मुझे नाटक करना पड़ा। क्या बात है बेटे, मैं न जाने कितने लोगों की मदद करता रहता हूँ, ये कोई महान काम नहीं है, लेकिन तुम लोगों को अन्याय और धोखाधड़ी से बचाते हो, ये महान काम है। आम तौर पर बेटे अपने पिता से धन संपत्ति मांगते हैं, मगर तुमने मेरे सपने मांगे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, जीते रहो। चलता हूं। Yes. प्रकाश रंजन अपने किलर पब में गैर कानूनी ड्रग्स का धंधा चला रहा है, मुझे अभी ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं इसे एक्सपोज करके रहूंगी। सैलरी और 10,000 रुपए बढ़ा देता हूँ, फोन रख दो। सर, डोंट इरिटेट मी। अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तू तो ऐसे इरिटेट हो रही जैसे मैंने तेरे गैरेज में गाड़ी पार्क कर दी। मेरे गैरेज में पार्क करके तू देख, अब तू यहाँ क्या कर रहा है? बहुत हीरो समझता है क्या अपने आप को? मुझ पे चढ़ क्यों रही है? क्या कर लेगा बे,
अबे हाँ बे, कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहे हैं। अगर फिर से अबे तब ऐसे बात की ना तो ऐसे बोल वचन सुनाऊंगी कि शर्म से पानी पानी हो जाएगी। अपनी शक्ल देखिए क्या, ड्रग रैकेट को एक्सपोज करेगी तू? हलवा है क्या? जाके किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी को कवर कर तू। तू जाना अपने चैनल पर मिडनाइट मसाला होस्ट करने, यहाँ मैं पहले आई थी इसलिए मैं पहले कवर करूंगी। क्या ये, क्या ये? गाँव की खटारा बस में लोग सीट पर रुमाल रख के चिल्लाते, पहले मैं आई थी, ये मेरी सीट है। ए गवार, जाके अपने दिमाग का इलाज करवा। पूरी पिक्चर के हीरो दिमाग तू मचा। अरे मुझे लिफ्ट देने के लिए बैठा है क्या? थैंक्स। सिस्टर, बॉम्बे हॉस्पिटल को यही रास्ता जाता है ना? थैंक यू सिस्टर, चलता हूँ। इस तरह के काम करने से पहले जोखिम के बारे में सोचना चाहिए। टेक केयर। ओए तमीज उमीज है कि नहीं, एक हॉट लड़की को ऐसे छोड़ के कोई जाता है क्या? हेलो हेलो भाई, श्रीमान हमारे पब की पोल खोल देगा, उसके पास सारे फोटोज हैं। ए हाय, अभी अभी मैंने तुम्हें घर ड्रॉप किया था, अब यहाँ कैसे टपक पड़ी? अंदर चल के बात करें। मेरे घर के आसपास पब के गुंडे बाइक पर चक्कर काट रहे थे, मुझे डर लगा तो मैं यहाँ आ गई अपनी सिक्योरिटी के लिए। कोई जबरदस्ती है क्या? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जैसे वॉचमैन बिल्डिंग की सिक्योरिटी का इंचार्ज होता है, वैसे तुम मेरे इंचार्ज हो। चल निकल यहाँ से। नाटक किया तो जोर से चिल्लाऊंगी, सारे पड़ोसी यहाँ आ जाएंगे और इज्जत का कचरा हो जाएगा। तू चिल्लाएगी चिल्लाएगी, माइक लाके दो, दू क्या? प्लीज, एक बेचारी लड़की को अपनी सिक्योरिटी के लिए प्लीज बोलना पड़ेगा। क्या कहा? अलग अलग बेड पे, रात का वक्त है ना, आज के लिए प्लीज। अबे हट, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, ये पहली और आखिरी बार है, दोबारा दिखाई दी तो हकाल दूंगा। चल जा, जाके सोफे पे सो जा। नौटंकी कहीं का, पता नहीं इतना भाव। ये क्या बड़बड़ा रही तू? बेडशीट और पिलो के बिना मुझे नींद नहीं आती है। ज्यादा चिल्ला के बात मत कर। ए मजनू, उस दिन चिप निकालने में तो तुम्हें बहुत मजा आया था, आज एक और चिप छुपाई है, अब ज्यादा इंतजार मत करो, उसे भी निकाल ही लो, ना लेफ्ट देखो ना राइट। वैसे सुबह बहुत बड़ा है, हम दोनों इसमें आराम से फिट हो सकते हैं। ए चालू चीज, बकवास मत कर, रहे तो उठा के फेंक दूंगा। इस नाड़ी को तो बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। ए, सीधे सोफे से बिस्तर पे आ गई। रात को सोफे पर मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जब तुम्हारे पास आकर सोई तो सपनों में खो गई थी। हा? अरे बुद्धू, अभी भी समझ में नहीं आया, तुझसे प्यार हो गया है। क्या कहा? ओफो, पब में गुंडे तुम्हें देखते ही 9-2-11 हो गए, और उसके बाद मैं तुम पर ऐसी फ्लैट हुई कि तुम्हारे फ्लैट में ही आ गई। लकी हो यार, मेरा दिल तुझ पे आया है। यही तो प्रॉब्लम है, हद से ज्यादा फ्लैट है तू, तू मुझे पटाएगी? हलवा है क्या? क्या रे, अगर ये जीरो फिगर रोड के बीच में खड़ी हो जाए ना तो ऑटो से लेके ऑडी तक सारे के सारे हिल जाएंगे, समझे? तू एक काम कर, किसी ऑटो वाले को पकड़ के शादी कर ले, मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, ये देख ये एंगेजमेंट रिंग है। घर बसने से पहले ही उजड़ गया। बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये सब पता चलने के बाद मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। Exactly. तुझे क्या लगता है, तेरा ये जोर का झटका मुझे करंट देगा? ये सुबह सुबह कौन आ गया है? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाय हाय,
सिमोन ऑटो वाले को बाहर पैसे दे रही है, अगर उसने सिम टू को देख लिया ना तो तुम्हारा डिस्प्ले उड़ जाएगा। अरे जाओ यहाँ से, मेरी मंगेतर आ गई है। मेरी सौतन आ गई? आने दे, मेरी छोटी बहन जैसी ही है। ऑलरेडी इस कमरे में कोई तीसरा बंद है। हाय बेबी। इस तरह अचानक कैसे आ रहा हूँ? तुम्हें देखने का मन किया तो आ गई, नहीं आ सकती क्या? और वैसे सुबह सुबह तुम्हारा मूड क्यों खराब है बोलो? सिम टू डैमेज। कॉल करके आना चाहिए था ना। जब भी तुम्हें फोन करो तुम्हारा फोन बिजी 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 आता है। दूसरा सिम क्यों नहीं ले लेते? पहले से है। पहले से ही है, मुझे नंबर क्यों नहीं दिया? क्या है कि उसे एक्टिवेट करना बाकी है, काफी हॉट नंबर है। थैंक यू। थैंक्स। जानू हमारी सगाई को इतना वक्त हो गया, आज तक एक गिफ्ट तक नहीं दिया। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। एस मतलब श्रीमान। स्वप्निका। इसका मतलब मेरा श्रीमान हमेशा मेरे दिल के करीब रहना चाहता है। यही बात है, यही बात है। फर्स्ट नाइट में सोचा था कि ये गिफ्ट तुम्हें सरप्राइज के तौर पे दूँ। अब बातें रास्ते में करेंगे, फ्रेश हो जाओ, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। थैंक यू बेबी। हेलो, क्या है? सेकंड सिम का बैलेंस कम हो गया है, रिचार्ज करो। अरे मैं तो भूल ही गया, अब तक तो ये पापड़ बन गई होगी। बाप रे। ए पापड़, ये पकड़ और निकल यहाँ से। हे, मैंने तुम्हें गिफ्ट देकर तुम्हारी मंगेतर को तुम्हारा और दीवाना बना दिया, अब तुम मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? दे दूंगा यार, जाना यहाँ से। प्रॉमिस ना। प्रॉमिस? तो तुम मेरे लिए ताजमहल बनवाना। बिल्कुल बनाऊंगा, अभी अभी मैंने 2 एकड़ जमीन खरीदी, तेरे मरने का इंतजार है, ताजमहल का काम शुरू हो जाएगा। अभी जा यहाँ से मेरी माँ। तुम्हारा नाम तो कृष्णा रखना चाहिए था। मम्मी, पापा। ये लीजिए। अरे वाह, हमारे बेटे के दिए हुए कपड़े पहनकर जा रहे हैं। उसे भी साथ लेके जा रहे हैं या नहीं? उसे कैसे भूल सकता हूँ, माय सन इज माय लक। नमस्कार। आज हम सब बहुत खुश हैं। आज तक किसान सिर्फ फसल कटने पर ही खुश होता था, पर आज से हर किसान साल के हर दिन खुश रहेगा। कल से ही जय किसान योजना का काम शुरू कर देंगे। मैं भी बैंक जाके आता हूँ, चलता हूँ। बोलिए पापा। घंटे भर में मैं बैंक पहुँच रहा हूँ, वहीं आ जाना। ओके पापा, मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगा। ठीक है। हाँ भानु, 1 घंटे में निकलना होगा, जरा जल्दी करना। 1 घंटे में? हाँ, लेट हो रहा है। Idiot. Sorry. Thanks. आपको धक्का लगा इसलिए मैंने सॉरी कहा। तुम्हारे धक्के से मुझे मसाज हो गया। उस लड़के ने धक्का मारा तो इडियट कहा, और मेरे श्री ने मारा तो थैंक्स। चलो, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, सारी लड़कियां तुम पे लट्टू होई जा रही हैं। ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, एक बार ट्राई। तुम ही पहनो। मैं ट्रायल करने जा रही हूँ, अगर किसी लड़की को देखा भी ना तो खून कर डालूंगी। छोड़ो मुझे, श्रीमान, श्रीमान बचाओ, बचाओ। हनु। नमस्ते कैलाश जी, बैठिए। कैलाश जी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपका जय किसान अकाउंट हमारे बैंक में खुला है। We are proud also. ये सब आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। ऊपर वाले की कृपा है। 1 मिनट। इस कवर में आपकी चेकबुक और पासवर्ड है, आप चाहें तो सिस्टम में अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। क्या बात है कैलाश जी, कोई आने वाला है क्या? मेरा बेटा आने वाला है। हो सकता है वो किसी काम में उलझ गए हो, मैसेज भेज दीजिए। हैं? बेटे जल्दी आ जा।
कैलाश जी, कैलाश जी, अरे ये क्या हो गया आपको? अरे अरे कोई है क्या? सिक्योरिटी, एम्बुलेंस को बुलाओ। AP36 एंड 111 नंबर की गाड़ी अभी अभी सिग्नल तोड़ के भागी है, उसने एक एक्सीडेंट भी किया है। वो गाड़ी किस तरफ जा रही है? Yes. What? डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, ही इज नो मोर। संभालो अपने आप को, संभालो। हेलो श्रीमान नारायण, सारे सिग्नल को तोड़ के निकल रहा है सर। वो किस तरफ गया? पुराना फ्लावर क्रॉस कर लिया है सर, शायद एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। What's going on? Come on, stop him. जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आओ, उसके फादर की डेथ हो गई है। ये आखिर हुआ कैसे? सर वो बैंक में जब से आए थे तब से बहुत टेंशन में थे। फिर मैंने उन्हें चेकबुक और पासवर्ड वाला कवर दिया। हाँ, वो अपने बेटे को लगातार फोन लगा रहे थे और बहुत ज्यादा टेंशन में थे। उसके बाद वो कंप्यूटर पर नेट बैंकिंग के लिए बैठ गए, बहुत देर तक बैठे रहे। और कुछ समय बाद जब मैं उनके पास गया, नारायण, वो वहां बेहोश पड़े थे। और उनका बैलेंस 5,000 करोड़ से सिर्फ 5,000 रह गया था। 5,000 करोड़ की जगह सिर्फ 5,000 रुपए ही बच गए थे। उनके बेटे से कुछ बात हुई थी? उनका बेटा तो फोन ही नहीं उठा रहा था और इनका टेंशन बढ़े जा रहा था। आई थिंक 5,000 बैलेंस देखने के बाद ही उनको हार्ट अटैक आ गया होगा। मिस्टर श्रीमन नारायण, पुलिस के रोकने पर आप रुके नहीं और आपने एक एक्सीडेंट भी कर दिया। किसी ने मेरी मंगेतर को किडनैप कर लिया। कहाँ से? शॉपिंग मॉल से, इसी गाड़ी में। गाड़ी में तो कोई नहीं है। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। कांस्टेबल, गाड़ी की तलाशी लो। आपने फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया है? हाँ, लगता है मेरा फोन भी कहीं खो गया। सर, इनकी कार की तलाशी में ये बैग, सेलफोन और लिफाफा मिला है। ये फोन आपका है? यस सर। व्हाट इज दिस श्रीमन नारायण? नो नो आईडिया सर। जब मैंने इनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि इनकी मंगेतर किडनैप हो गई है। सेल फोन के बारे में पूछा तो कह रहे हैं कि फोन खो गया था, पर जब हमने इनकी गाड़ी की तलाशी ली तो हमें पासपोर्ट, मोबाइल और स्विट्जरलैंड की टिकट मिली। पिता की मौत हो गई, अकाउंट से 5,000 करोड़ गायब है और बेटा स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में है। टेक हिम टू द कस्टडी। यस सर, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। हॉस्पिटल? आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? तौर पर बेटे अपने पिता से धन संपत्ति मांगते हैं, मगर तुमने मेरे सपने मांगे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। कहां हो बेटे? जल्दी आ जाओ। कहां हो बेटे? जल्दी आ जाओ। जल्दी आ जाओ। कहां हो बेटे? जल्दी आ जाओ। जल्दी आ जाओ। आपकी मौत की वजह मैं हूं पापा। सर,
सारी दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि श्रीमन नारायण दोषी है। जय किसान योजना में हुए 5,000 करोड़ के घोटाले के लिए ये अदालत सरकार को CBI जांच कराने का आदेश देती है। तुम्हारी वजह से जर्नलिस्ट के नाम पे धब्बा लग गया। आखिर तुमने अपने पिता को क्यों मारा? आज तक आप स्कैम एक्सपोज करते थे, आज आप खुद एक स्कैम में फंस गए। आपने ऐसा क्यों किया? शर्म आनी चाहिए, अपने बाप का सपना चकनाचूर कर दिया। हम गरीब किसानों का पैसा खा गया, तुम पैसा खा गया। हमने तुम्हारे परिवार पर विश्वास करके अपने खून पसीने की सारी कमाई तुम्हें दे दी। नारायण परिवार धोखेबाज है। हाँ हो जाएगा, अब खून किया तो यहाँ आने के बाद तो फटके पड़ेंगे, दिन रात साले की धुलाई करेंगे। लेकिन हाँ, शाम का बंदोबस्त होना चाहिए, समझे? फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद सेल नंबर 130 में डाल दो इसे। यस सर। बंद कर दो। कहाँ हो बेटे? जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। ए, तेरे घर वाले तेरे से मिलने आए हैं। बेटा, ये क्या हो गया? हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? हम बेल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह आसान नहीं होगा। जो हमारे गुण गाते नहीं थकते थे, आज वो हम पर थूक रहे हैं। इस तरह रो मत। अब ये सब सोचकर अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है माँ। अब उसके बारे में सोचना है जिसने मेरे पिता पर उंगली उठाई। मैं सच का पता लगा करूंगा। भानु, माँ का ख्याल रखना। स्वप्निका, मुझे फंसाने के लिए बहुत बड़ी साजिश की गई। हो ना हो, इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। गौर से सुनो, तुम्हें क्या करना है। I'll do that. Take care. Sit down. I'm Shekhar Dalal from CBI. Let's come to the point. 5,000 करोड़ कहाँ छिपा कर रखे हैं? स्विस बैंक में। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। वैसे हमें मुर्दों से भी उगलवाना आता है। कहाँ है पैसे? उनसे पूछिए जिन्होंने पैसों की चोरी की। लेकिन इस अपराध के लिए कोर्ट ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो उनसे पूछिए जिन्होंने मुझे इसमें फंसाया है। ओह, ज्यादा होशियार बन रहे हो। नहीं, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। मरने से पहले आखिरी बार तुम्हारे पिता की बात तुमसे हुई थी। जैसे ही तुम्हें पासवर्ड मिला, तुमने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और फिर बड़ी चालाकी से सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। नो! चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। मत भूलो कि हमें सच उगलवाना आता है। CBI, अगर जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट भी करवाऊंगा, लेकिन सच कबूल करवाऊंगा। मुझसे क्या कबूल करवाओगे? 2009 सत्यम स्कैम, 100 से ज्यादा इंक्वायरीज हुई, हजारों पेज की चार्जशीट फाइल हुई, लोगों को 7,000 करोड़ का चूना लगा। ये तुम्हारा सिस्टम है? 2010 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, सेम टू सेम, देश की जनता को 1,75,000 करोड़ का फटका लगा। इसे आप सिस्टम कहते हैं? बेगुनाहों को पकड़कर बड़े पहाड़ खोदते हैं आप, लेकिन उसमें से चूहिया भी नहीं निकलती। छोड़िए ये सब। जय जवान स्कैम, आप पिछले 3 साल से इंक्वायरी कर रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। 3 दिनों में मैंने स्कैम की पोलपट्टी खोल दी और हमारे जवानों को उनका हक दिलवा दिया। बिना CBI की मदद के भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाई और लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये है मेरा सिस्टम। CBI गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाले आप लोग और गवर्नमेंट से सीधा सवाल करने वाले हम लोग। श्रीमन, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। आपने तो इस केस में अब जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। मैं तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कब की शुरू कर चुका हूँ। सो डोंट ट्रबल द ट्रबल। इफ यू ट्रबल द ट्रबल, ट्रबल ट्रबल्स यू। आई एम नॉट द ट्रबल, आई एम द ट्रुथ, आई एम द ट्रुथ, आई एम द ट्रुथ, आई एम द ट्रुथ, आई एम द ट्रुथ। मिस्टर राजन मूर्ति, आपके बैंक से 5,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। आपकी बैंक की रिपीटेशन तो खराब हो गई है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
और होनी को कौन टाल सकता है? अगर आप कोऑपरेट करें तो हम चैनल 6 की तरफ से इसकी छानबीन कर सकते हैं। सीबीआई पहले से ही इसकी जांच कर रही है, इट इज अंडर प्रोसेस यू नो। लेकिन हम उनसे पहले पता लगा लेंगे सर। तुम्हारा चैनल 6 है, उसके बाद 7 खुलेगा, फिर 8, 9, 10। तुम कुछ पूछोगी, मैं कुछ जवाब दूंगा और तुम उसका कुछ अलग मतलब निकालोगी, उसके बाद फिर उसे अलग तरह से छापोगी और दुनिया उसका कुछ अलग मतलब निकालेगी। क्यों दिमाग पे जोर डालना? तुम चैनल वाले बहुत डेंजरस होते हो भाई। हम सच्चाई का साथ देने के लिए हाथ उठाएं तो 1, 2, 3, 4 चाटे लगाकर तुम कहोगी कि मैं ही खूनी हूँ, बात का बतंगड़ बना दोगी, मेरी रिपोर्टेशन तो गई ना पानी में। इससे अच्छा है चुपचाप बैठे रहो। इंटरव्यू खत्म हुआ, अब आप जा सकती हैं। हम पहले भी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास जा चुके हैं, 5,000 करोड़ की रकम किस तरह ट्रांसफर हुई ये पता लगाने। हमें आईपी एड्रेस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी डिटेल्स भी मिलेंगी मिस्टर मूर्ति, ब्रेकिंग न्यूज में देख लीजिएगा। थैंक यू। और से सुनो, आज सुबह से ही जर्नलिस्ट, पुलिस और चैनल वाले सारे के सारे इंक्वायरी के लिए पीछे पड़े हुए हैं, और ये सब चैनल्स साइबर क्राइम आईपी एड्रेस का नाम सुन के टेंशन बढ़ती जा रही है। प्लीज तुम कुछ करो, मैटर बहुत सीरियस हो गया है। आज शाम को हम 6 लोगों को मिलना ही होगा, अर्जेंट। अपना फोन भूल गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। सुमन आइडिया काम कर गया, बैंक के मैनेजर के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं इसमें, लो खुद ही देख लो। और ये सब चैनल्स साइबर क्राइम आईपी एड्रेस का नाम सुन के टेंशन बढ़ती जा रही है। मैटर बहुत सीरियस हो गया है। आज शाम को हम 6 लोगों को मिलना ही होगा, अर्जेंट। क्या हम ये खबर ब्रॉडकास्ट कर दे? नहीं नहीं नहीं, इससे वो 5 एकदम अलर्ट हो जाएंगे। स्वप्निका, तुमने वाकई कमाल कर दिया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, सॉरी। सॉरी बोलकर तू 5,000 करोड़ के घपले पर पर्दा डालना चाहता है? बाकी के 5 पापी कौन है? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, हर्षद राणे, आईजी मार्केट, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद और छठा मैं। तुम लोगों ने उन पैसों का क्या किया बताओ? तेरे बेटे ने हमारा जो हाल किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मेरी मिनिस्ट्री चली गई, रातों की नींद हराम हो गई और मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ। धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई है मेरी। थैंक यू, 5,000 करोड़ का ये अनमोल तोहफा अब हम रख लेंगे।
और उसे चुराने का इल्जाम लगाएंगे आपके बेटे पर। अगर तुम्हारा बेटा जिंदा बच गया तो वो हमें जीने नहीं देगा, इसलिए उसे जेल भेजने का बंदोबस्त हो गया है। और अगर तुझे हमने जिंदा छोड़ दिया तो तेरे किसान हम पर हल चला देंगे, इसलिए तेरा तो राम नाम सत्य करना ही था। पांच हजार करोड़ क्या बात है, 5,000 करोड़। अब मेरा अगला सीएम बनना तय है। अरे अब हंसना बंद करो और पैसे जल्दी जल्दी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो। करेक्ट। हम में से हर एक के हिस्से में कम से कम 830 करोड़ रुपए आएंगे। इतना पैसा देखते ही इनकम टैक्स हम पर रेड मार देगी। इनका सीएम बनना तो दूर की बात है, हम जेल में मंजीरा बजा रहे होंगे। मैंने इसके लिए प्लान बनाया हुआ है। सलीम सर, हैकिंग शुरू कर दो। ओके सर। सर, वर्क इज डन। वेल डन। तुम्हारे लिए एक शानदार गिफ्ट भिजवा रहा हूं। थैंक यू सर। पांच हजार करोड़ ट्रांसफर हो गए। अब इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 5,000 है। कैलाश जी बैठ जाए। पैसे को लेके झगड़ा होना आम बात है, इसलिए अब हम 6 के 6 लोग यहाँ एक नया पासवर्ड बनाएंगे। हर एक आदमी जाके पासवर्ड की एक की दबाएगा और वो की अपने पास एक राज की तरह रखेगा। अकाउंट तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम सारे लोग साथ नहीं आएंगे। सारे लफड़े खत्म होने के बाद हम हर्षद की मदद से हवाले के जरिए सारा पैसा वापस मंगा लेंगे। उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। लो भाई, नया पासवर्ड मुबारक हो। आईजी या तुम इस बुड्ढे के बेटे का ख्याल रखना। डॉक्टर श्रीकांत इस बुड्ढे का ख्याल रखें। लेट्स गो। तुम लोगों ने सिर्फ मेरे पापा को नहीं मारा, लाखों किसानों की जिंदगी को तबाह कर दिया। गरीब से गरीब किसान ने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे पैसे जोड़कर जमा किए थे और तुम लोगों ने उनके सपने तोड़ दिए। मुझे मत मारो। अपना पासवर्ड बता। के ईमानदारी से जीता तो ऊपर वाला तेरा अकाउंट बंद करता, लेकिन तूने करप्शन किया है इसलिए तेरा अकाउंट मैं बंद करूंगा। हाँ, तेरी जिंदगी और मौत के बीच एक सूत का फासला है और मेरे अंदर तुझे मारने का भूत सवार है। नो हियरिंग, ओनली किलिंग। इस राजन को किसने मारा होगा? और कौन? श्रीमन नारायण नहीं मारा होगा। वो तो जेल में है, वो कैसे मार सकता है? अगर भाग गया होगा तो? और अगर उसे पासवर्ड पता चल गया होगा तो? तू टेंशन मत ले, सब क्लियर हो जाएगा। बोलो हर्षद भाई, वहां बैठ के क्या बखिया मार रहे हो? किसने मारा मैनेजर को, कुछ पता चला क्या? साला सब कुछ खिचड़ी हो गया है। अच्छा तुम रुको, मैं फोन करता हूँ। श्रीमन नारायण जेल में ही है सर। ये कैसे हो सकता है? ओके, वो जेल में ही था। जेल में? क्यों इंस्पेक्टर, यहाँ क्यों आया बे? हमने किसी को मार दिया क्या? स्निफर डॉग सेंट्रल जेल के पास रुक गए सर। देखा आई जी, मेरा शक सही निकला, उस श्रीमन ने राजन का खून किया है। इंस्पेक्टर सर, जेलर से कहो मैंने बुलाया है। ओके सर। वो साला जेल में था और रंजन मारा गया, कुछ तो लोचा है बॉस। अरे ये सब छोड़ो, तुम लोगों ने राजन के पासवर्ड का पता लगाया कि नहीं? मैं कल उसके घर गया था पर सोचा मौत के वक्त ऐसा पूछना सही नहीं होगा, अभी फोन करता हूँ। हेलो भाभी जी, मैं बद्री
प्रसाद बोल रहा हूँ। बोलिए भाई साहब। राजन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसके जाने का मुझे बहुत अफसोस है। पता नहीं कब इस दुख से उबर पाऊंगा, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। हाँ भाई साहब, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। वैसे मैं अब अपने मायके पुणे जा रही हूँ। भाभी जी, आपको राजन ने किसी बैंक अकाउंट का कोई पासवर्ड बताया था क्या? हाँ बताया था, और उन्होंने हमें मिलने वाले हिस्से के बारे में भी बताया था। आपको हिस्सा जरूर मिलेगा, बस आप सिर्फ पासवर्ड बता दो ना भाभी जी। के पासवर्ड है भाई साहब। शुक्रिया भाभी जी। ठीक है। के, के, के। ए, हर्षद, हमें राजन की पत्नी ने पासवर्ड बता दिया है। वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है। मैं अभी इंडिया पहुंचता हूं। गुड मॉर्निंग सर। आओ जेलर। सर, स्निफर डॉग जेल के पास आके रुक गए थे। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? साहब, जाहिर है कि कातिल तुम्हारे जेल में ही है। वैसे आपका इशारा किसकी तरफ है? श्रीमन नारायण। वो जेल से निकल ही नहीं सकता। लगता है तुम्हारे टल्ली होने के बाद वो हवलदारों को 200-300 देने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गया होगा। इट्स हाईली इम्पॉसिबल सर। हमें उस पर डाउट है और उसे। लेकिन मैं आपके लिए क्यों काम करूं? भीख दे रहा है, 5,000 करोड़ का घोटाला है और तू मुझे चिल्लर दे रहा है। अब बोलो। डन। आज शाम को हम 6 लोगों को मिलना ही होगा, अर्जेंट। कातिल बहुत शातिर है, इस कैंप में 5 लोग और शामिल हैं। ये बात तो पक्की है इस वीडियो को देखकर। हेलो ए जेलर, ज्यादा शाना बन रहा है क्या? ₹1,00,000 कम लगे तो सूटकेस ही लेके भाग गया। अब ये बता, काम हुआ कि नहीं? नेता नहीं जो अपनी बात से पलट जाऊं, रात को काम हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया। जीजा जी, वो साला मर गया। लीजिए मिठाई खाइए। बात कर रहा है, सच में मर गया। सच में मर गया। ये लीजिए खाइए। आज मैं बहुत खुश हूँ। जा जल्दी जाके सबको मिठाई देकर। नहीं 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 नहीं, आज तो जश्न होगा। जश्न। बद्रीनाथ बहुत खुश लग रहा है। यहाँ से सटकने का यही अच्छा मौका है। भगवान बड़े खुश लग रहे हैं। आज हम बहुत खुश है पंडित। इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जजमान, हमें बहुत जोर से अपनी बीवियों की याद आ रही है। अगर आप हमें आज्ञा दें। सही बात है। ए, इन पंडितों को 50,000 दे के इनको बेइज्जत घर पे छोड़ जाओ। उत्तम, देखो इज्जत बोलना भी नहीं आता। अबे सुन, बाहर निकलने तक मुंह बंद रखना। क्या कुसुर चल रही है? घर का पता पूछ रहे। एक बात और, हमें तुम्हारी कभी भी याद आ सकती है, जल्दी से चले आना। अरे पैसे दो इन्हें। बड़ी रकम है, अपने बड़े से कपड़े में लपेट ले। जल्दी कर। आरती। अरे दिया बुझ गया, कहीं मेरे पति का दिया ना बुझ जाए। क्या बकवास किए जा रही कलमुई। अरे ऊपर वाले बचा ले। अरे आईजी को फोन कर, जल्दी आईजी को फोन कर। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? फोन लगा। अरे मैं जिंदा हूँ, चुप कर तो। चुप। जीजा जी, जेलर को फोन लग गया है। अबे वो जेलर के बच्चे, श्रीमान मर गया है ना, जल्दी बता। नहीं सर। गई बस पानी में। मेरा राम नाम सत्य हो गया। तुझे शर्म नहीं आती ये खबर देते हुए? जस्ट मिस्ड। श्रीमान नारायण अभी हॉस्पिटल में है, सिक्योरिटी टाइट है। अगर अपने आप मर गया तो ठीक है, वरना मैं मार दूंगा उसे। ओए, अगर तूने उसे नहीं मारा तो मैं तुझे मार दूंगा। हाँ। कोई भी साला काम का नहीं है।
ये दोनों पंडित कहाँ मर गए? वो दोनों पंडित बीवियों से मिलने गए हैं, पकड़ के लाओ उन्हें जल्दी यहाँ पर। आप हमें ऊपर वाले के नाम पे छोड़ दीजिए, आपको हमारी और पड़ोस की बीवियाँ दुआई देंगी। मुझे छोड़ कर जा रहे थे? मैं यहाँ मर रहा हूँ और तुम्हें बीवियों की पड़ी है? ठीक है, अभी मेरी लंबी उम्र के लिए एक तगड़ी पूजा कर ताकि मैं 100 साल ना मरूं। मेरे गुरुजी हैं तो फिर क्यों टेंशन लेते हैं? मैं करूँगा, तू क्या यहाँ पे घंटा बजाएगा? हर्षद तुम आ गए, वाह बैठ। डॉक्टर श्रीकांत नहीं दिख रहा है? हेलो डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद पिछले 3 दिनों से अपने अस्पताल नहीं गए, उनके अपने कई गेस्ट हाउस हैं, फिर भी आईजी के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी दी गई है। हेलो हेलो बात, चिल्लाया तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, अगर शांत रहा तो कम से कम 5 मिनट जिंदा रह पाएगा। तू एक डॉक्टर है ना, स्टेथोस्कोप जब सीने पे लगाते हैं तो क्या सुनाई देता है? धड़कन, धड़कन चेक करने के लिए दिल चाहिए होता है, जो तुझ में नहीं है। मेरे पिता ने हमेशा उन किसानों के बारे में सोचा जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, उन्हीं के लिए उन्होंने 5,000 करोड़ जमा किए। साले, गरीबों के हक का पैसा खा के कोई चैन से नहीं जी सकता। तूने क्या सोचा, किसानों की भलाई के लिए जमा किए पैसों को तो ऐसे ही गटक लेगा? पासवर्ड बता। बताऊंगा तो तुम शूट कर दोगे? नहीं बताएगा तो करूं? बताता हूं। बता। नंबर 9। तू झूठ बोल रहा है। मैं सच बोल रहा हूं। बताता हूँ, नंबर 4। तुमने कहा था बताऊंगा तो शूट नहीं करोगे। हाँ, श्रीमन की पुंगी बच गई ना? नहीं सर, डॉक्टर श्रीकांत की बच गई। कमीने, हमारा माल खा के हमसे होशियारी, तुझे श्रीमान को मारने को भेजा था और तू कहता है कि हमारा आदमी मर गया। मुझे तो लगता है ये श्रीमान से मिला हुआ है। ए, गैस सिलेंडर ले जाने वाली एक लॉरी का ब्रेक फेल हो गया और सीधे जाके गेस्ट हाउस में घुस गई। डॉक्टर श्रीकांत की मौत सिलेंडरों के फटने से हुई है और आप लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में लेटे हुए आदमी ने उसका खून किया है। आप लोग मुझ पर शक कर रहे हो? यहाँ का आईजी होने का तेरा क्या फायदा है? मैनेजर और डॉक्टर को सिक्योरिटी तक नहीं दे पाया। श्रीमान हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हो रहा है? कल तक। सबसे पहले हमारी सेफ्टी का बंदोबस्त करो। अगर श्रीमन के हर चाल पे नजर रखनी है तो उसकी जेल की कोठरी में सीसीटीवी कैमरे लगवाओ। आधी रात को गैस सिलेंडर से लदी एक लॉरी आईजी मार्कंड के गेस्ट हाउस में घुस गई। कहा जा रहा है कि उसके ब्रेक्स फेल हो गए थे जिसकी वजह से वो बेकाबू हो गई। इस हादसे में मशहूर डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद की मौत हो गई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि डॉक्टर आईजी के गेस्ट हाउस में क्या कर रहे थे। राजेंद्र सर, कातिल ने कुछ देर पहले ही मुझे फोन किया था, बोला कि डॉक्टर श्रीकांत को आईजी मार्कंड के गेस्ट हाउस में प्राइवेट सिक्योरिटी दी गई है। सर, उसकी बातों से लग रहा था उसका अगला टारगेट आईजी हो सकता है। सर, हमें चौकन्ना रहना होगा। लेट्स मूव। सब जानते हैं कि भैया बेकसूर हैं और वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। जिस तारीख को आपकी शादी तय हुई है ना, आप दोनों की शादी उसी तारीख को होगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर मार्कंड। ओह मिस्टर शेखर, गुड मॉर्निंग। बैठो। थैंक यू। मिस्टर मार्कंड, आप डॉक्टर श्रीकांत को कैसे जानते हैं? जस्ट फ्रेंड्स। कब से? करीब 1 साल से। किसी क्लब में मिले थे। पिछले 3 दिन से वो आपके गेस्ट हाउस में क्यों ठहरे हुए थे? कह रहे थे उनकी जान को खतरा है। किससे? वो नहीं बताया।
तो सिक्योरिटी अरेंज क्यों नहीं की? उन्होंने मना कर दिया। तो फिर प्राइवेट सिक्योरिटी क्या कर रही थी? पता नहीं। तीन दिनों से आपके गेस्ट हाउस में प्राइवेट सिक्योरिटी थी और आपको पता नहीं? मैं अपने काम में बिजी था। तो कल जब आप अपने गेस्ट हाउस गए थे तब आपने प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं देखी? गेस्ट हाउस नहीं, नहीं, कल तो मैं क्लब में था। कल गांधी जयंती थी, क्लब तो बंद रहता है। गांधी जी। डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद और बैंक जीएम राजन मूर्ति अच्छे दोस्त थे ना? पता नहीं। आप और राजन मूर्ति? मैं उन्हें नहीं जानता। ओके देन। श्रेया, हैव अ लुक सर। पसीना पहुंच लीजिए सर। बोलो आईजी। सीबीआई ऑफिसर शेखर मेरे ऑफिस में आया था, उसके सवालों ने तो मेरे पसीने छुड़ा दिए। तुम्हारी भी इंक्वायरी हो सकती है, संभाल कर। ठीक है, मैं देखता हूं। मैंने आपकी कुंडली स्वामी जी को दिखाई थी, उन्होंने कहा आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। आपकी लंबी उम्र के लिए उन्होंने नरसिम्हा के मंदिर में हवन रखने को कहा है। ठीक है, कल चलते हैं। ए, ओपन द डोर। ए, ये क्या है? ए, ये फोन कहाँ से आया? किसने दिया तेरे को? ये जेल में बैठ के तू बाहर किससे बात कर रहा है, बोल। तुझे लगता है तू बाहर लोगों का खून करता रहेगा और हमें पता नहीं चलेगा? चल, मैं तेरी सारी हिकड़ी निकाल दूंगा। बहुत शाना बनता ना तू। क्या रे, बता जेल में फोन किसने दिया, बता। ऐसे घूर के क्या देख रहा है? शाना बन रहा है, शाना बन रहा है साले। मुझे सच उगलवाना अच्छी तरह से आता है। अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स को ठीक कर दिया मैंने। डॉक्टर श्रीकांत की मौत से तुम्हारा क्या संबंध है? देख क्या रहा है, बोल साले। बता अब तेरा अगला टारगेट कौन है? यस सर, मैं अभी आया सर। सर, आईजी सर अभी अभी घर से मंदिर के लिए निकले हैं। ओके, फॉलो देम। Everything is clear, sir. Security एकदम tight कर दो। जब तक पूजा पूरी ना हो जाए किसी को अंदर आने मत देना। Yes, मंदिर का दरवाजा बंद कर दो। Okay, sir. Be alert. Yes, sir. ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम अग्नि देवता स्वाहा, ओम भूर्भुव स्वाहा। जजमान, नरसिम्हा देव को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। ओम इंद्र देव स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम अग्नि देवता स्वाहा, ओम भूर्भुव स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा। श्रीमान नारायण, तुम तो जेल में थे ना, यहाँ कैसे आ गए? भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए थे और उन्होंने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसकी अंतड़ियां निकाल फेंकी थी।
वो भगवान नरसिंह थे। आज मैं तेरा दिमाग खोल के उसमें से पासवर्ड निकालने वाला हूँ। ये श्रीमन नारायण का वादा है। श्रीमन नहीं, देखो मैं एक आईजी हूँ, सिक्योरिटी एकदम टाइट है, यहाँ से बचकर निकल नहीं पाएगा। टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद मैं मंदिर में घुस गया, तुझे क्या लगता है डर के मैं तुझे मारूंगा नहीं? अबे रुक, तुझे क्या लगता है मैं कोई अभिमन्यु हूँ जो तेरे बिछाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा? श्रीमन नारायण पासवर्ड बता। नीचे उतारो, मैं पासवर्ड बताता हूँ। पासवर्ड है आई, क्यों बताया पासवर्ड? छोड़ दो मुझे, कहता है तो छोड़ देता हूँ। हेलो, आईजी को बेरहमी से मारा गया है सर। व्हाट? अजीब बात तो यह है सर कि आईजी के लैपटॉप पे अभी भी श्रीमन नारायण जेल में दिखाई दे रहा है। अगर वो जेल में है तो आईजी का मर्डर किसने किया? पता नहीं सर। रघु, गाड़ी से नरसिम्हा मंदिर से जेल जाने में कम से कम कितना वक्त लगता है? कम से कम 20 मिनट सर। ड्राइवर, सेंट्रल जेल जाने में हमें कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट सर। ओके, श्रीमन को मंदिर से जेल पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे और मैं करीब 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। अगर वो वहां नहीं है तो कातिल वही है। You guys leave immediately. Yes, sir. Kya hua? ट्रैफिक जाम है सर। रिवर्स लेकर दूसरे रास्ते से चलो। रिवर्स करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है सर। लड़ क्यों रहे हो? पूरा रास्ता जाम कर दिया। जल्दी क्लियर करवाओ। लिफ्ट लिफ्ट प्लीज लिफ्ट। ट्रैफिक क्लियर करवाओ जल्दी। ए, पीछे हटो। क्या हो रहा है बन? चलो पीछे हटो। कम ऑन, कम ऑन। गुड मॉर्निंग मिस्टर शेखर। वेरी गुड मॉर्निंग। बोलिए सर। श्रीमन नारायण की कैद में कैमरा क्यों लगा है? आईजी साहब का ऑर्डर। और कौन कौन शामिल है? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, आईजी और हर्षद। सुबह से कहाँ था श्रीमन नारायण? जेल में ही था सर। जय जवान स्कैम। 3 दिनों में मैंने स्कैम की पोलपट्टी खोल दी और हमारे जवानों को उनका हक दिलवा दिया। श्रीमन नारायण जेल में है क्या सर? हाँ, गुड मॉर्निंग कह रहा था। जय जवान स्कैम वाली फाइल लाकर दो मुझे। जानना चाहता हूँ कि 3 जो मरे हैं और 3 जो जिंदा हैं उनमें क्या रिश्ता है। अगर बाकी के 3 लोगों को पकड़ लिया तो समझ लो कि जय जवान स्कैम इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे तक पहुंच गया। सीबीआई मुझ पर बास की तरह नजर बनाए हुए है। तुम एक काम करो, कला मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने ट्रैफिक सिग्नल पर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। मुझे यकीन है मैं भानु की किडनैपिंग के वहां पक्के विजुअल्स मिल जाएंगे, उन्हें कलेक्ट करो। व्हाट एन आईडिया सर जी,
क्या दिमाग चलाया है। सीसीटीवी कैमरास के विजुअल से तो तुम पक्का निर्दोष साबित होकर बाहर निकल जाओगे उसके बाद। इधर सुनो। क्या? अरे एक राज की बात बतानी है, आगे तो आओ। क्या रे, बता जेल में फोन किसने दिया? बता, ऐसे घूर के क्या देख रहा है? शाना बन रहा है, शाना बन रहा है साले। मुझे सच उगलवाना अच्छी तरह से आता है। अच्छे अच्छे क्रिमिनल आवाज रिकॉर्ड करके जेलर तो श्रीमन की मदद कर रहा है। हेलो, मैं जेलर का असिस्टेंट कुमार बोल रहा हूँ। आपके लिए एक खास जानकारी है, बड़ी कीमत लूंगा। कैसी जानकारी? श्रीमान नारायण की जेलर लगातार मदद कर रहा है। ये तुझे कैसे पता चला? सीबीआई वाले हाथ धोके इस केस के पीछे पड़े। अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स को ठीक कर दिया मैंने। मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैं ऐसा कुछ नहीं हूं। क्या राय बोल साले? बता तेरा अगला टारगेट कौन है? अरे पैसे खाके हमें ही धोखा देता है। श्रीमान का साथ देके हमें ही टपकाना चाहता था। बोल, ऐसा क्यों किया? बोल। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बताता हूँ, सब बताता हूँ। 5,000 करोड़ का घोटाला, क्या करेगा उसका? तू बता तुझे क्या चाहिए? हा? मुझे क्या चाहिए? इतनी अकड़ क्या बे? जेल में फैसिलिटी नहीं चाहिए क्या तेरे को? वो तो तेरा बाप भी देगा। मैं चाहूं तो तू मुझे जेल में स्कॉच भी सर्व करेगा। मैं चाहूं तो तू रोज मुझे गर्मा गर्म चिकन बिरयानी भी खिलाएगा। अगर बोर हो जाऊं तो तू खुद मेरे सामने मुजरा भी करेगा। अगर ये सब तुझे दिया तो मुझे क्या देगा? एक फूटी कौड़ी भी। ए, साले तुझे इतना मारूंगा ना मैं, अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। मैं तुझे मारूंगा तो तुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शंकर सिंह और शंकर नाई। झटका जोर का था। शंकर शिंदे, बाप का नाम नारायण शिंदे, बर्थ प्लेस औरंगाबाद, स्टेट महाराष्ट्र, एसटी कोटे में नौकरी हासिल की, ऊंची जाति में पैदा होने के बावजूद जाली सर्टिफिकेट की मदद। मैटर लीक हुआ तो तेरी नौकरी गई। सेक्शन 420 आईपीसी के तहत कम से कम 5 साल की सजा। इसी जेल का खाना खाना शंकर शिंदे। क्या चाहिए तुम्हें? ए, मैं पक्का पॉलिटिशियन हूँ और किसी पे भरोसा नहीं करता। हम ही से पैसे लेके हम ही को चुना लगाने की हिम्मत तेरी? उसने तुझे ब्लैकमेल किया और तूने हम सबको उल्लू बनाया। तूने गलती की होती तो अलग बात थी, लेकिन जानबूझकर गलती को बढ़ावा देना सबसे बड़ी गलती है। Stop it there. Zoom it. हाँ, यहाँ पर। आज ब्रेकिंग न्यूज में देखिए किस तरह मशहूर जर्नलिस्ट श्रीमान नारायण को फंसाया गया है। हम आपको बताएंगे कि भानु को आखिर किसने किडनैप किया। सीबीआई अब तक इस मामले को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर पा रही है? क्या सीबीआई वो नहीं कर सकती जो एक जर्नलिस्ट कर सकता है? अगर इस बात का खुलासा नहीं होगा तो लोगों का विश्वास सीबीआई से उठ जाएगा। मजाक बना के रखा है हम सबका, इस पर जल्दी कोई एक्शन लो। जल्दी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में सबमिट करो। यस सर। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद
हम सीबीआई की रिपोर्ट से सहमत हैं कि श्रीमन नारायण बिल्कुल निर्दोष हैं। इसीलिए हम पुलिस को आदेश देते हैं कि वो श्रीमन नारायण को बाइज्जत बरी कर दें। और श्रीमन नारायण को आदेश देती है कि जब भी सीबीआई उन्हें बुलाए वो पेश हो और जांच पड़ताल में साथ दें। तुम्हारे पिता ने जो सपना देखा था उस सपने को अब तुम्हें ही पूरा करना है बेटा। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार। कैलाश नारायण हमें छोड़कर नहीं गए, वो आज भी तुम्हारे रूप में हमारे साथ हैं। आपकी मेरे पिता से जो भी उम्मीदें थी उन पर मैं खरा उतरूंगा। भैया मुझे माफ कर देना भैया, उस दिन न जाने मैंने आपको क्या क्या भला बुरा कह दिया। आपने कुछ भी गलत नहीं कहा था, बल्कि मुझे अपना फर्ज याद दिलाया। नमस्ते भैया। वो तीनों शहर से गायब, उनके घर और ऑफिसेस पे ताले लगे हुए हैं, उनके सेलफोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। सर, हर्षद मलेशिया पहुंच गया, बद्री प्रसाद और प्रकाश रंजन शहर में नहीं है। ओह नो, अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं। सरेंडर हो गए होते तो सुरक्षित होते जेल में। खुद के सर पे तो कफन डाल के बैठा, ये लगता आपके सर पे भी कफन डालेगा। अरे क्या हुआ, चुड़ैल कहीं की थू खीखी कर रही है? यहाँ मेरी डर के मारे जान फट रही है और तुझे हंसने की पड़ी है भूतनी कहीं की? इस टीवी को गले में लटका ले। नारायण, श्रीमन नारायण आ गए तुम। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, वरना तेरे पर काट दूंगा। बता क्या इंतजाम हुआ? भाई, फार्म हाउस के चारों तरफ लैंड माइंस बिछा दिए हैं, अगर किसी ने भी उस पर पैर रखा ना तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। जा, जा तू। अरे पंडितों, ऐसे खड़े मत रहो, कुछ काम करो, जाकर कुछ हवन का इंतजाम करो और मुझे मौत से बचा लो। हो जाएगा सर जी, मेरे गुरुजी महामृत्युंजय जाप करने में उस्ताद हैं। क्यों मेरा बायोडाटा बढ़ा रहा है? बिना पानी के क्यों धो रहे हो? हमें मंदिरों के आसपास की परिक्रमा करनी चाहिए और हम बॉम्ब के आसपास की परिक्रमा कर रहे हैं। इस मोटे से छुटकारा पाना चाहिए, चल मेरे साथ। गुरुजी क्या हुआ? गाड़ी को जरा ब्रेक मारो, इन्होंने बम लगा के रखा है। इस बम के साथ अगर आपका बम उड़ गया तो मेरा क्या होगा? कुछ मत बोलिए, आप बस मेरे पीछे पीछे आइए। इस बम बम के चक्कर में हमारा दम ना निकल जाए। आदरणीय गुरुजी, हो सकता है वहाँ बम हो। आंखें या एक्सरे मशीन? अभी बताता हूँ। गुरुजी बचपन में कंचा खेले थे, इसे बम के ऊपर फेंकेंगे, बम हुआ तो फूट जाएगा वरना हम फूट जाएंगे। फेंक के देखते हैं। बम नहीं है, चलिए। बम पे इतना छोटा पत्थर फेंका है, बम पे बम जितना बड़ा पत्थर फेंक। आपके हिसाब से ये पत्थर सही है? धमाके की आवाज, यानी श्रीमन आया और धमाके में उड़ गया, क्या बात है। कहाँ है उसकी लाश, कहाँ है? मुझे तो लगा था श्रीमन आया होगा और धमाके में उड़ गया होगा, लेकिन यहाँ तो तुमने अपनी आहुति दे दी हवन में। अब एक काम करो, जल्दी से किसी दूसरे बॉम्ब पर अपने पैर रखो और उड़ जाओ। गुरुजी, हमारी तरह हमारा पंचांग भी फट गया है, उसकी पनौती तो हमने बहुत निकाली, अब हमें अपनी पनौती निकालनी पड़ेगी। बॉम्ब पर पैर रख दिया, ऐसी हालत हो गई है जैसे रास्ते चलते भिखारी की होती है। अब मुझे तो लगता है कि मेरी भी यही हालत होगी। अरे पति परमेश्वर, फटे हुए जूते जैसी शक्ल होगी है। वो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, 5,000 करोड़ का अचार डालोगे? बच्चा पैदा किया होता तो वो ऐश करता। दूसरा कांड, अब क्या तीर मारा है? पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला किया है। बद्री प्रसाद की नाजायज बेटी भानु ने अब डीएनए टेस्ट करके उनसे अपना रिश्ता साबित करने की ठान ली है। चलिए उनसे बात करके सच जानते हैं। मैं अपने हक और आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हूँ। हाँ, मैं बद्री प्रसाद की नाजायज बेटी हूँ। नाजायज? आपके पास कोई सबूत है? अब बोलो। मेरे पास एक ही सबूत है, मेरी माँ। तो माँ को बुलाओ ना। बेचारी मर गई। अच्छा वो मर गई। लेकिन इतने सालों तक आपने इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया? मेरे पिता की इज्जत बचाने के लिए मेरी बेचारी माँ ने आखिरी सांस तक ये बात छुपा कर रखी। लेकिन वो बहुत ही घटिया इंसान थे, बद्री प्रसाद ने मेरी माँ को जीते जी मार डाला। आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई है? नहीं 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 नहीं। हाँ हुई ना, मुझे देखते ही गले लगा लिया। नहीं झूठा। सच है, अपनी नई बीवी के डर से मुझे अपना ही नहीं रहे। पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। वरना आप ऊपर जाके मेरी माँ को क्या जवाब देंगे? बद्री प्रसाद जी आपके पिता हैं, ये साबित करने के लिए कोई सबूत है आपके पास? फसी फसी। ये फोटो काफी है ना?
तुझे किस नहीं किया तो बच्चे को क्या करूंगा मैं? कहां से इसकी शक्ल मुझसे मैच हो रही है? तुम्हारे बाप ने एक ही फूल खिलाया था और ये फूल तुम ही हो। देख 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 ध्यान से देख, ये चेहरा इस चेहरे से मैच कहीं भी कर रहा है क्या? सिर्फ कलर अलग है, उसकी नाक देखो, उसकी आंखें देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तुझे पता ना मेरा बीपी लटका रहता है, मैं कैसे इश्क करूंगा? बाहर वालियों के लिए तो बीपी अप रहता है और मेरे लिए बीपी लटका रहता है। मेरा यकीन करो जानेमन। जानेमन कह के कि जान ले ली तुमने? रसगुल्ला, पापड़ा, सांबर, बताओ ये कहाँ की आइटम है जो तुमने खाई है? उसे फोन लगाओ, मुझे अभी उससे बात करनी है। मैं उसका नंबर कहाँ से लाऊं? एक मिनट, मेरे पास चैनल का नंबर है, वहीं फोन करता हूँ। हेलो जी, मैं बद्री प्रसाद बोल रहा हूँ। क्यों बे, कोई भी तुम्हारे चैनल पे आके कुछ भी बकेगा और तुम टेलीकास्ट कर दोगे उसे, मेरा डिवोर्स हो जाता तो। बड़ी मुश्किल से मुझे एक बीवी मिली थी। सर सिग्नल नालंदा जंगल से आ रहा है। मैं तुम्हारे Thank चैनल you. को आग लगा दूंगा। फिर ऐसा मजाक मत करना। क्या सी क्लास ली मैंने? क्लास तो तुम्हारी मेरी माँ लेगी। मैं इस घर में एक मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ। मैं अभी जा रही हूँ। ड्राइवर किक मारो, मेरा मतलब गाड़ी निकालो। पत्नी कही की सबसे ज्यादा तो इसकी टेंशन है। जा उस ड्राइवर के साथ भाग जा। कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जूते चप्पल से मारो लेकिन जान से नहीं। मैं तुम्हें वो पासवर्ड बता देता हूँ, तुम उन गरीब किसानों की मदद करो। प्लीज ये गन हटा दो। छोड़ छोड़ पहले छोड़। इसका 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 कैसे चलती है ये? तेरा फंडा कुछ समझ नहीं आया। तेरे हाथ में गन होती तो ट्रिगर दबाता, मेरे हाथ में गन होती तो मेरे पैरों में गिरता। क्यों बच्चे की जान ले रहा है? वैसे ही कुछ दिन बचे, तुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए ना। मैं तुझे पैसे और पासवर्ड दोनों देता हूँ। मुझे मार के जेल में क्यों जाना चाहता है? गन हटा ले बेटा, मेरा पासवर्ड है एन। चुबे, तूने अपनी जिंदगी के 60 साल वेस्ट कर दिए। तुझ जैसे को मार के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। वैसे भी ये काम अपने आप होगा, टांग हटी दुर्घटना घटी। नारायण, मैंने तुम्हें पासवर्ड बता दिया ना, अब मुझे क्यों मरने के लिए छोड़ रहे हो? अरे कहाँ मर गए, जल्दी आओ, ये बॉम्ब हटाओ, हटाओ। मिनिस्टर बद्री प्रसाद के फार्म हाउस में आज दोपहर को एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों की जाने गई। यहाँ पर लोगों की लाशें देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। भूतपूर्व मंत्री बद्री प्रसाद जी नक्सलवादियों द्वारा बिछाए गए लैंडमाइन का शिकार हुए। श्रीमन ने पहले सिलेंडर का इस्तेमाल किया और अब यहाँ लैंडमाइंस का। कुछ तो शर्म करो, ये क्या कर रहे हो? आज बड़े रोमांटिक बन रहे हो। हर चीज बोलना जरूरी है, खुद भी समझा करो। बैठो। माने ना क्यों? ऐसा मत करो ना भानु, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो यार। मेरा दूध
औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है। पहली बार ना करती है, दूसरी बार हाँ हाँ करती है। सिंटू, तुमसे तो सिर्फ बर्फ के गोले गिरेंगे, जरा बाहर झांक कर देखो, आग के गोले बरस रहे हैं। ये क्या कह रहे हो? चैनल सिक्स। क्या? मतलब चैनल सिक्स। आजकल खाना कम खा रही हूँ, ये कमरा कमर कैसे हो गया? ये क्या कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे पराए मर्द को हाथ लगाते हुए? तुम कब आई? अभी अभी। उसे देख के तुम्हारे बाल फिर से गीले हो गए क्या? मुझे लगा ये तुम हो। डोंट एक्ट स्मार्ट। उसकी पतली कमर पर हाथ घुमाते घुमाते बड़े शम्मी कपूर बन रहे थे तुम। सब समझती हूँ। मुझे लगा ये तुम्हारी कमर है। कमर छोड़ो, इसने तो पता नहीं कहाँ कहाँ छुआ है। कहाँ कहाँ? यहाँ पर, वहाँ पर। ये तुमने? अभी नहीं भानू। इसका मतलब ये सच कह रही है कि तुमने वहाँ छुआ था? कुछ काम था इसलिए छुआ था। तुमने धोखा दिया मुझे। भानु, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन चिप ढूंढने के लिए मैंने अपना हाथ। आप शर्मा क्यों रहे हो? वो सोफे वाली बात भी तो इसे बताओ ना। सोफे वाली कौन सी बात है? बताओ मुझे। बताओ ना कि रात को मैं तुम्हारे साथ ही थी। अब हर बात मुझसे ही बुलवाओगे क्या? इससे भी पूछो, इसे भी तो पता है। तुम्हें पता था? हाँ पता है। बताओ मुझे, इन्होंने ये गुटर को कितनी बार किया था? हाँ, एक ही बार किया था। कब किया था? उस दिन जब स्वप्निका ने अपनी चेन तुम्हें। एस मतलब श्रीमान, इसकी चेन मुझे गिफ्ट की तुमने। तुम्हें तो मैं। ये कहाँ गायब हो गया? आने दो इन्हें, बताती हूँ, कचुम्बर बनाऊंगी। देखो अब बात यहाँ तक आ गई है तो सब कुछ साफ साफ बताती हूँ। तुम श्री के लिए पोस्ट पेड हो, बिलिंग एड्रेस तुम्हारा है। मैं प्री पेड हूँ, टेम्प्रेरी एड्रेस। देखो हमारी सगाई हो चुकी है। इट्स ओके, रहना तो उसको तुम्हारे साथ है, मैं कभी कभी आऊँगी। मतलब मेरे पास एक ही श्रीमान है। मेरे पास भी सिर्फ एक ही श्रीमान है। मैं बिस्की डालूंगी, तुम सोडा डालना। और मैं बर्फ डालूंगा। देखो अपनी बकवास बंद करो। ज्यादा चालाक मत बनो। मेरा मंगे मेरा है, और मेरा रहेगा। फिर भी तुम्हारे भेड़ी में कुछ नहीं जा रहा है, ओके? वो मेरा है। Everything is fair in love and war. Hello. Shekhar from CBI. Can you come to my office? Okay. Hello. Good morning. Good morning. Please. मिस्टर श्रीमान, मैं आपसे ये बात फोन पर नहीं कर सकता था। ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया। यस सर, अभी आ। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। श्योर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहिए सर। मिस्टर शेखर, ये सब क्या हो रहा है? उन तीनों में से बद्री प्रसाद ही मर गया, केस तो उलझता जा रहा है। मैंने दोनों को बचाने की खातिर ही श्रीमान को यहाँ बुलवाया है। श्रीमान को? यस सर। इन सब की मौत के पीछे श्रीमान का हाथ है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए समझाने के लिए उसे मैंने यहाँ बुलाया। ओके, गो अहेड। सॉरी, तुम्हारे केस के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी थी। हाँ, मेरा मतलब 5,000 करोड़ के स्कैम के बारे में। मिस्टर श्रीमान, 6 दोषियों में से 4 मारे गए, किसने मारा होगा उन्हें? मैंने। What? मैंने भी यही सोचा था। देखिए, जैसे ही मुझे कोई क्लू मिलेगा ना, फौरन आपको इन्फॉर्म करूंगा। हेलो सर, प्रकाश रंजन के गोडाउन में शॉर्ट सर्किट हो गया। कितने बजे? 10 मिनट पहले। आई वॉन्ट द एग्जैक्ट टाइम। 11:20 सर। ओके मिस्टर श्रीमान, एक गुड न्यूज है, प्रकाश रंजन मर गया। भला ये मेरे लिए गुड न्यूज कैसे हुई? ये आपके लिए बैड न्यूज है। मुझे लगा आप कम से कम बाकी दो को तो जिंदा पकड़ ही लेंगे, लेकिन उस हत्यारे ने आपके हाथ से ये मौका भी छीन लिया। कैन आई गो नाउ? श्योर, थैंक यू। ये कोई मामूली आदमी नहीं है। पुलिस ने उज्जवल स्पिरिट्स में हुए धमाके की जांच शुरू कर दी है। कल रात गोडाउन में एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे यहां आग लगी और देखते ही देखते सारी जगह राख हो गई। गोडाउन के मालिक प्रकाश रंजन भी इस धमाके में मारे गए। हम आपको आगे पल पल की खबर देते रहेंगे। क्या ये कोई हादसा है या फिर किसी ने जानबूझ के किया है, ये पता लगाने के लिए जाँच शुरू हो चुकी है। ये कैसे हो गया? प्रकाश रंजन और उसकी पत्नी शहर से भागने की फिराक में थे। अचानक वो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए इस स्पिरिट गोडाउन में आया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ धमाका हो गया। छुट्टी होने की वजह से यहाँ उस दिन ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे थे। प्रकाश रंजन की खबर क्या मिली? तुम तो हमसे पहले ही पहुँच गए। मिस्टर शेखर, मैं पिछले 5 महीनों से छुट्टी पर था, आज ही ड्यूटी ज्वाइन किए। सी यू लेटर। ओके। मेरी किस्मत में यही लिखा था, हम लोग तो शहर से बाहर हमारे गांव जा रहे थे,
फिर वो अचानक कहने लगे कि मुझे गोडाउन जाना है, कोई इम्पोर्टेंट फाइल उनकी वहाँ पर रह गई थी, वही फाइल लेने वो वहाँ चले गए। और शांत हो जाइए, रोइए मत। इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मैं किसके सहारे जीऊंगी। आप रो रही हैं क्योंकि आपके पति अब नहीं रहे, लेकिन लाखों किसान आपके पति के कारनामों की वजह से रो रहे हैं। आपके पति के पास जो पासवर्ड था, सिर्फ उसी से उन गरीबों के आंसू थम सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड पता हो तो प्लीज बता दीजिए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। प्लीज मुझे सच बताइए। मुझे अपने पति की कसम, मैं सच मुझे इस बारे में कुछ नहीं जानती भैया। तौर पर बेटे अपने पिता से धन संपत्ति मांगते हैं, मगर तुमने मेरे सपने मांगे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। उस वक्त मेरी वजह से आपकी जान गई, आज मेरी वजह से आपके सपने साकार नहीं हो पाए। आज हैदराबाद के एक स्पिरिट गोडाउन में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से बड़ा धमाका हुआ। कंपनी के मालिक प्रकाश रंजन उस धमाके में मारे गए। वो स्वर्गीय भूतपूर्व मंत्री बद्री प्रसाद के साले थे। कहा जाता है कि कुछ जरूरी कागजात लेने के लिए वो गोडाउन गए। हमारा प्लान काम कर गया हर्षद भाई। उसे पासवर्ड चाहिए था, उसी पासवर्ड की वजह से अब वो दीवारों पे अपना सर फोड़ रहा होगा। तुम इस दुनिया में नहीं रहे इसलिए तुम्हारे खिलाफ सारे केसेस बंद हो जाएंगे। ऐश करो भाई। ऐश कैसे करूं भाई, उस साले श्रीमन का ख्याल आते ही मन करता है कि चाकू घूम दूं। उसने मेरे नाम और काम की धज्जियां उड़ा डाली। चैन नहीं मिलेगा जब तक वो मरेगा नहीं। अब उसके झमेले में दोबारा मत पड़ो। अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए वो बावला होके दर दर की ठोकरें खा रहा होगा, उसे भी ठिकाने लगा देंगे। एंजॉय न्यू लाइफ विद न्यू वाइफ। चीयर्स। ऐश कैसे करूं भाई, उस साले श्रीमन का ख्याल आते ही मन करता है कि चाकू घूम दूं। उसने मेरे नाम और काम की धज्जियां उड़ा डाली। चैन नहीं मिलेगा जब तक वो मरेगा नहीं। हेलो श्रीमन, तुमने वो एमएमएस तो देखा होगा। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, प्रकाश रंजन मरा नहीं है, वो मलेशिया में हर्षद के घर में आराम से रह रहा है। मैं अभी तुम्हें वहां का पता भेजता हूं। ऐश करो। इस देसी को कितनी अंग्रेजी पिलाएगी, चढ़ नहीं रही है। सबको मिला के कॉकटेल बना। ये क्या, तुमने तो कुछ खाया नहीं है। लो चिकन खाओ। अरे जीजा जी को भी खिलाओ। मस्तान। यस भाई। अर्जेंट इंडिया की टिकट बुक कर, वो उस साले को जाके मारना है। सिर्फ मारना नहीं है, कुत्ते की मौत मारना है। तुझे, साले तुझे ही फोन कर रहा था, तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है। मेरे जीजा जी को मारा है तूने, अब तू मरेगा। तू यहाँ पासवर्ड लेने आया है ना, अब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा तू। तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा दूंगा। मैंने इस पर पासवर्ड लिख दिया है, दम है तो ले ले। तू यहाँ सिर्फ एक पासवर्ड लेने की बात कर रहा है? भूल गया मैंने चार पासवर्ड्स हासिल करने के लिए तेरे चार साथियों का क्या हाल किया था। उनके पासवर्ड्स मैं बताता हूँ। 4KIN। Ha 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 ha
जाने कितने खून किए मैंने, किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे पंगा लेने की। मेरे घर वालों को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। आजा आजा मेरे जीते जी, तुझे पासवर्ड नहीं मिलेगा। अबे गधे, मुझे तेरा पासवर्ड पता है। ए, अब तो मेरे किसी काम का नहीं। श्रीमन नारायण, काफी ऐश हो गई। अभी तेरी बारी है, इस वक्त तू है कहाँ? वाह, ये पूछ, तेरा परिवार कहाँ पे है? मेरे बेवकूफ दोस्त तुझे जानते नहीं थे, इसलिए वो तेरे हाथों मारे गए। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। शेर का शिकार करने के लिए बकरी को चारा बनाना पड़ता है, तुझे मारने के लिए तेरे परिवार को चारा बनाऊंगा। ऐश खत्म, स्ट्रगल शुरू। तेरे शहर में, तेरे इलाके में, तेरे बाप की फैक्ट्री में खड़ा हूं। आजा आजा। मैंने अपना काम कर लिया है। हर्षद राणे ने मेरे परिवार को किडनैप कर लिया है। What? जल्दी से उसकी लोकेशन का पता लगाओ। मुझे यहाँ आता देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे 5,000 करोड़ चलकर मेरे पास आ रहे हैं। जल्दी से पासवर्ड बताकर अपने परिवार को यहाँ से ले जा। मेरा परिवार कहाँ है? मुझे अपनी माँ से बात करनी। आदमी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जज्बातों के आगे हमेशा घुटने टेक ही देता है। ए, श्रीमन की माँ को फोन दे। माँ बिल्कुल फिकर मत करना, मैं आ गया हूँ। चाहे हमारी जाने क्यों ना चली जाए बेटा, पर तू उसे पासवर्ड बिल्कुल मत बताना। वो पैसा किसानों का है, उन्हें ही मिलना चाहिए। श्री, उन्होंने हमारे शरीर पर बॉम्ब बांधा है। अगर मैंने यहाँ नंबर डायल किया तो वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, तेरे परिवार के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि माँ कौन है, बीवी कौन है। पासवर्ड टाइप करो। बताता हूं, नंबर 4। के पासवर्ड है आई। चौथा लेटर तुम्हारा है, टाइप करो। तुम्हारी बारी, जल्दी से टाइप करो। आखिरी लेटर टाइप करके अपने परिवार को बचा लो। हा, 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 हा,
सॉरी ब्रदर, जब तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता तुम्हारा परिवार आजाद नहीं होगा। जब तक मैं यहाँ से निकल नहीं जाता मेरे आदमी तुम्हारी सेवा करेंगे। ये क्या, अकाउंट क्यों नहीं खुला? अबे हर्षद राणे झंडू, आखिरी दो लेटर गलत टाइप किए हैं, पर अब मुझे तेरा पासवर्ड पता चल गया। साले मेरे साथ होशियारी कर रहा है, तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तुझे झक मार के पासवर्ड बताना ही पड़ेगा। उस नंबर में फोन करके इसके सारे परिवार को उड़ा दो। जाने अनजाने में तुम लोगों से जो पासवर्ड क्रिएट हुआ वो था फॉर किसान, जय किसान, अवर किसान, टकले, जीरो वॉट के बल्ब में उंगली चली जाए तो लगता है जैसे चींटी ने काटा, 60 वॉट के बल्ब में उंगली चली जाए तो लगता है बिच्छू ने टंक मारा, लेकिन गलती से ट्रांसफॉर्मर में हाथ लग जाए तो साले इंसान पल भर में रात हो जाता है। इन्होंने हमारे सामने ही गुनाह किया है, अरेस्ट करना चाहिए। उसके लिए सबूत की जरूरत पड़ेगी। क्या यहां मौजूद एक भी इंसान गवाही देगा? सुनो, क्या हुआ था यहां? इन्होंने ट्रांसफार्मर को छू लिया और जल के खाक हो गए। लेकिन ये गलत है सर। मैं अभी इन सबसे सहमत हूं। मिस्टर श्रीमन नारायण, जय किसान ट्रस्ट के लिए अपनी तरफ से मैं 25,000 रुपए का चेक भिजवा रहा हूं। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। वैसे मिस्टर शिवन, ये कातिल वाकई बड़ा चालाक है। पहले सिलेंडर का इस्तेमाल किया, फिर लैंडमाइंस का, और अब ट्रांसफार्मर का। वाकई बड़ा दिमाग लगाया है। बाय द वे, अगर तुम्हें उसके बारे में पता चल गया तो हमें इन्फॉर्म करोगे ना प्लीज? श्योर,
थैंक यू एंड गुड लक। माँ, भाइयों और बहनों, जय किसान के काम के बीच दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। कल से हम अपना काम शुरू कर देंगे और फिर हर किसान हर रोज दिवाली मनाएगा।